बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। अगर हम अपने कार्यों की निरंतरता बनाए रखें तो अपने मनचाहे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, और किसान भाई बहनों के जीवन से ज़्यादा कार्यों की निरंतरता कहीं भी और देखने को नहीं मिलती है। लेकिन इन कार्यों में अगर थोड़ी जानकारी भी शामिल कर लिया जाए तो हम और भी बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसी जानकारी को आप तक पहुँचाने के लिए हम लेकर आते हैं कृषि दर्शन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी से जोड़े जाएंगे 10 लाख किसान। खेत में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पादन के सहयोग के लिए खोला जाएगा क्रॉप कैफेटेरिया। ग्रीष्मकालीन झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाए अर्का गड। अब समाचार विस्तार से। किसान बागवानी से जुड़े, ये कृषि के क्षेत्र में लाभ का अच्छा उपाय है। सरकार कम से कम 10 लाख किसानों को बागवानी से जोड़ना चाहती है। उक्त बातें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने विगत दिनों उद्यान विभाग द्वारा आयोजित झारखंड में फूलों की व्यावसायिक खेती और वर्तमान परिदृश्य और संभावनाएं विषय पर कहा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सहयोग करेगी। किसानों को खेत में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पादन में सहयोग के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में क्रॉप कैफेटेरिया खोला जाएगा। इसका निर्माण काके रोड बाजार टांड के पास स्थित शोध क्षेत्र के आसपास किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिला है। इस कैफेटेरिया के अंतर्गत किसानों को हर मौसम के अनुरूप खेत तैयार करने से लेकर फसल के बीज बुआई और उत्पादन में काम आने वाली तकनीक की जानकारी दी जाएगी। किसान भाई, यदि आप कंपोस्ट बनाने जा रहे हैं तो खेत में खरपतवार को इकट्ठा कर छोटे छोटे काट लें और मवेशी के मल मूत्र के साथ एक गड्ढे में डाल दें। साथ ही उसमें 50 ग्राम यूरिया मिला दें। इससे गड्ढे में डाले गए खरपतवार अच्छी तरह सड़ जाते हैं और कंपोस्ट की गुणवत्ता अच्छी होती है। किसान भाई, कंपोस्ट बनाने के लिए खरपतवार और मवेशी के मल मूत्र को एक साथ गड्ढे में डाल दें। कंपोस्ट के लिए गड्ढा वहाँ खोदें जहाँ पानी का स्रोत हो, ताकि उस गड्ढे में पानी का रिसाव होता रहे। इससे कंपोस्ट ठीक से बन पाता है। किसान भाइयों, कंपोस्ट बनाने की विधि यह है कि जितने भी खेत के खरपतवार होते हैं उसे हम छोटे छोटे भागों में काट करके और मवेशी के जो मल मूत्र होते हैं एक गड्ढा हम खान कर करके उसमें सारे को मिला करके डाल देते हैं, और उसमें हम 50 ग्राम यूरिया डाल देते हैं ताकि वो अच्छी तरह वो डिकम्पोज करे, सड़े। और हम ऐसे जगह में इसको करेंगे जो कि जहाँ पर कि पानी का स्रोत अच्छा हो, उसमें पानी का स्रोत जाते रहे, जैसे कि तालाब के बगल में हो, नदी के बगल में हो, ताकि उससे पानी का रिसाव होते रहे और कंपोस्ट बनाने में लाभदायक हो। ग्रीष्मकालीन झाड़ीदार बोदी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में CP4, अर्का गरिमा, पूसा कोमल लगाएं। ग्रीष्मकालीन झाड़ीदार बोदी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या थोड़ी चिकनी मिट्टी उपयुक्त है। क्षारीय मिट्टी इसके लिए अनुपयुक्त होती है। उसकी खेती के लिए सीधी बुआई करें। साथ ही हल्की दोमट मिट्टी में 8 से 10 दिनों पर और भारी दोमट मिट्टी में 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए।
इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.5 दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। अगर हम एक ही ज़मीन पर कृषि फसल के साथ साथ कुछ उपयोगी पेड़ लगाए और साथ में पशुपालन भी करें तो इसे कहते हैं कृषि वानिकी। जिन किसान भाई बहनों को इसमें दिलचस्पी है उन्हें हम दिखाने जा रहे हैं एक फीचर जिसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कृषि वानिकी में पशु का महत्व। कृषि यानी खेतीबाड़ी, खेती यानी खेत में फसल उगाने का काम करना, वानिकी यानी वन में उगे पौधों पर या पौधों से फल फूल कंदमूल औषधि इमारती लकड़ी लाह रेशम और मधु उत्पादन का काम करना होता है। कृषि और वानिकी अलग अलग हों या एक ही स्थान पर साथ साथ हों। पेड़ पौधों के जीवन के साथ साथ छोटे बड़े कई पशुओं का जीवन जुड़ा होता है। पशुओं को चारा के लिए फसल चाहिए और पौधों को विकास के लिए खाद चाहिए। प्राकृतिक रूप से ये खाद पशुओं के मलमूत्र से मिलता है। खेत हो या जंगल, पौधों से गिरने वाले पत्ते हो या कृषि अपशिष्ट, उसे सड़कर खाद बनने और मिट्टी में घुलने तक लंबा वक्त लगता है। लेकिन पशुओं के मलमूत्र को खाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए कृषि वानिकी में पशुओं का विशेष महत्व है। जी, ये बहुत सही सवाल है। देखिए, जैसे एक तो हो गया कि आप जानते हैं कि जब वृक्ष के जब पत्तियां जब झड़ती हैं तो वो खेतों में मतलब पोषक तत्वों को जोड़ती हैं। अब वो क्या है कि उसमें समय लगता है कि वो फिर गलेगा, सिस्टम में आएगा, डिकम्पोज होगा, उसके बाद ही उसमें न्यूट्रिएंट ऐड करेगा। लेकिन ये गोबर क्या है कि जब जानवर ये करते हैं कि इंस्टेंटली कर देते हैं, रेडी, मतलब बहुत कम समय में ये आपको जानवर खाएंगे और आपको विद इन 24 आवर आपको वो सड़ा हुआ सब चीज़ मिल जाएगा। फिर अब धीरे धीरे जैसे सिस्टम आता है तो फिर डिकम्पोज होगा बाकायदे, तब जाके उसमें पोषक तत्वों को ये करेगा। अच्छा, ये फिर जो हमारे जो उनके जो मूत्र हैं वो तो रेडी टू सप्लाई वाली बात हो जाती है, तो वो तो जैसे ही पौधों में जाएंगे तो जो न्यूट्रिएंट हैं खासकर नाइट्रोजन वगैरह जैसे यूरिया से मिलता है उनको तत्काल मिल जाएगा। कृषि वानिकी में पशुओं के महत्व के अलग अलग आयाम हैं। रासायनिक खेती से जैव पारिस्थितिकी असंतुलित हो रहा है, जबकि जैविक खेती प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल है। किसान भाइयों, आप जैविक खेती करते हैं तो अनिवार्य रूप से पशुपालन भी करिए और पशुओं की संख्या बढ़ाइए। इससे कृषि वानिकी और पशुपालन दोनों से धन लाभ होगा। कृषि वानिकी के बेहतर उत्पादन के लिए पशुओं से जैविक खाद मिलना आसान हो जाएगा। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि ये तो ऑर्गेनिक मोड में अगर हम लोग कृषि करते हैं, खासकर जो रासायनिक खादों पर निर्भरता कम करते हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है कि मतलब पशुओं का समावेशन हो। और ये आप सही है कि मतलब जैसे कंपोस्ट होगा, गोबर होगा, तो गोबर है क्या कि समय लगेगा। आप अगर बाहर में जैसे पशुओं को पालते हैं, यहाँ से चारा ले जाते हैं, पशुओं को पालते हैं, तो फिर वहाँ जो गोबर होता है फिर उसको आप या तो भर्मी कंपोस्ट जैसे बताएं यूनिट में कर लीजिए, या फिर कंपोस्टिंग यूनिट में उसको जो है तैयार कर लीजिए। जो समय लगेगा कंपोस्ट तैयार करने में, दो तरीके हो गए। और तीसरा है कि अगर जब आप चरने के लिए पशुओं को ले आते हैं हमारे जो कृषि बांध की जो के लिए जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ से फिर मतलब गोबर लोग नॉर्मली जमा नहीं करते, नॉर्मली फील्ड खेत में रह जाता है। वानिकी और वन उत्पाद का अपना महत्व है और बाजार में ये ऊंचे मूल्य पर बिकता है। इसके लिए जंगल का होना जरूरी है, जबकि हकीकत ये है कि वन क्षेत्र तेजी से घटता जा रहा है। वन होगा तभी वानिकी होगी और वन उत्पाद से किसान
की कमाई होती रहेगी। किसान भाइयों, आपके पास खेत है और आसपास जंगल का अभाव है तो आपकी जमीन पर ही बांस या इमारती लकड़ी वाले पौधे लगा सकते हैं। यदि जंगल है तो वहां भी वृक्षों के बीच खाली स्थान पर सब्जी फसलों की खेती कर सकते हैं। इससे कृषि वानिकी भी होगी और दो फसलों की उपज से आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। किसी आपदा में जब आपके सारे स्रोत बंद हो जाते हैं तब भी कृषि वानिकी आय उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। कि ये जो कृषि वानिकी है, जैसे हम लोग कृषि अलग करते हैं और वानिकी के लिए हमारे जंगल है, वन वृक्ष अलग है। आज के समय में देखिए, अब वो समय बदल रहा है बहुत तेजी से, जैसे वनों का ह्रास हो रहा है और लोग वनों तक लोगों की पहुँच कम हो रही है। आप ठीक है, हम लोग झारखंड में पास में है, हमारे यहाँ यहाँ पे बहुत वनों की प्रचुरता है, यहाँ पे पर्याप्त मतलब जो है क्षेत्र में वन है। लेकिन जहाँ पे कि वन नहीं है, दूसरा कि जहाँ पर कि प्रतिबंध है लोगों को वन तक पहुँचने में, वहाँ से बहुत चीज़ें, वहाँ से जो बहुत चीज़ों को कलेक्ट करने में आप मतलब प्रतिबंध है। तो ये क्या है कि जैसे कृषि वानिकी में है तो हमारे खेतों में सब चीज़ हो जाता है, तो ये चीज़ें जो है वहाँ पर बहुत ही कारगर हैं। और जैसे कृषि अलग, वानिकी अलग हो गया, लेकिन ये एक ही खेत में अगर हम जो हमारे पारंपरिक कृषि खेत हैं उसमें अगर हम वन वृक्षों को उगाएँ, या फिर जैसे हमारे घर के अगल बगल में जहाँ पर कि वृक्ष पहले से लगे हुए हैं वहाँ पे हम लोग कृषि फसलों को समावेश करें, तो यही कृषि वानिकी है। दोनों को साथ साथ लेना है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि अगर कभी अकाल हुआ या कभी कुछ प्राकृतिक आपदा हुई, अगर हमारा फसल नहीं हो पाएगा कृषि फसल, तो हमारे वन वृक्ष का तो पैदावार हो ही रहा है। तो मतलब ये एक गारंटी है कि हमारा जो है, हमारे खेत का जो है उपयोग हो रहा है और हमें पैसे मिलेंगे ही। किसान भाइयों, पेड़ पौधे पर कई छोटे छोटे कीट पलते हैं जो पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है और हम मनुष्यों को भी उपयोगी उत्पाद प्रदान करते हैं जिसे बेचकर हम लाभ कमा सकते हैं। कृषि वानिकी में कुसुम, बेर, पलाश के पौधे लगाकर लाह कीटों से लाह उत्पादन कर सकते हैं। अर्जुन और आसन के वृक्ष पर तसर कीट पालन कर सकते हैं। फलदार पौधों में इमली, बेल, कटहल के पौधे लगा सकते हैं। हरा चारा, लेमन ग्रास और औषधीय पौधे और बांस की भी खेती कर सकते हैं। पौधारोपण प्रभेद, कृषि वानिकी और पशुपालन के बीच अंतर संबंध और उनसे होने वाले लाभ के बारे में पूरी जानकारी के लिए ICAR प्लांडू केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। झारखण्ड के पशुओं के लिए जो जैसे बांस आधारित है या जो भी लेगुमिनस क्रॉप आधारित कृषि वानिकी है या फिर जो फोडर ट्री आधारित कृषि वानिकी है, जो कि हमारे पशु यहाँ पे मतलब बहुत चाव से खाते हैं और बाद में इन जो है वृक्षों से बहुत सारी चीज़ें ले भी सकते हैं अपने घर के लिए, उन चीज़ों को समावेश करें। और ख़ासकर जो कि हमारे आसपास में वृक्ष हैं और वहाँ उसको ले, और अगर मतलब ज़्यादा जानकारी लेना हो तो कृषि वानिकी का जो विभाग है बिरसा कृषि विद्यालय में या फिर यहाँ प्लांडू में है, मतलब यहाँ पे जो संस्था है, आप इस सब में संपर्क करें और हम लोग हमेशा तत्पर हैं किसानों को विशेष जानकारी देने के लिए। अगर हम अच्छी फसल की बात करें तो शुरुआत होती है उपजाऊ मिट्टी से, तभी तो हम मिट्टी की जाँच कराते हैं और उसकी कमियों को दूर करने के लिए उपाय करते हैं। कोषों के उत्पादन के लिए मिट्टी जांच कितनी आवश्यक है, ये जानकारी इस फीचर में। तसर के कोकून यानी कोषों से रेशम का धागा तैयार किया जाता है। तसर कीट जब अपने मुंह से लार निकालता है तो वो हवा के संपर्क में आकर धागा बन जाता है। तसर कीट अपने लार से बनने वाले महीन धागे को लपेटकर कोषों का निर्माण करता है। पेट से काटकर कोषों को अलग करने के बाद उन्हीं कोषों से धागा और धागों से तसर रेशम का कपड़ा तैयार किया जाता है। अर्जुन या आसन के वृक्ष पर पल्ले वाले तसर के कीट पत्तियों को खाकर जिंदा रहते हैं। धागों की गुणवत्ता का आधार कोशा है। कोशों की गुणवत्ता का आधार तसर कीट का बेहतर स्वास्थ्य है। तसर कीट के बेहतर स्वास्थ्य और पुष्ट शरीर के लिए भोज्य पौधों की पत्तियों का पौष्टिक होना जरूरी है। पत्तियां तभी पौष्टिक होंगी जब उन्हें मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे। मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व है या नहीं, ये जानने के लिए मिट्टी की जाँच करवाना जरूरी है। हमारा तसर का रेशम का कोषो जो है उसका क्वालिटी और उसका धागा का लंबा वो पत्ती का पोषक तत्व का ऊपर ही निर्भर है। तो इसलिए हम पोषक तत्व जब पत्ती में बढ़ाएंगे तब भी हमारा कोषो का स्वस्थ और उसका क्वालिटी और उसका धागा का लंबाई बहुत सारा चीज़ें अच्छा रहता है। उसके लिए हम मिट्टी का जाँच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पत्ती में जो भी पोषक तत्व आएगा वो मिट्टी से ही आएगा।
और मिट्टी में जो जो पोषक तत्व है हम देखने से पता नहीं चलेगा, उसका जांच करना बहुत आवश्यकता है। तो क्या सब सारा सार्वजनिक हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, बहुत सारा अलग अलग पोषक तत्व है, वो किस प्रमाण में है और कितना ज़रूरत पड़ेगा वो सब हम जांच करने के बाद पता चलेगा। इसलिए मिट्टी का जांच करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मिट्टी का जांच करने के बाद ही पता चलेगा उसका प्रमाण क्या है। किसान भाइयों, मृदा जांच के लिए वैज्ञानिक तरीके से मिट्टी का नमूना इकट्ठा करें। इसके लिए जिस जमीन में भोज्य पौधा लगा हुआ हो या लगाना हो, उस जमीन के हर हिस्से से मिट्टी का नमूना लें। आप मिट्टी की जांच जिला मृदा जांच केंद्र से करा सकते हैं। मिट्टी जांच करने के लिए बहुत सारा उनका ऑप्शंस है। एक है हमारा तसर का रेशम, हमारा इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रांची में, आप आके दे सकते हैं। और एक सुविधा ये है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिला में एक एक मृदा जांच का केंद्र है, तो वहाँ भी उन लोग अपना मिट्टी को दे सकते हैं। तो इससे पहले एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है, तो मिट्टी का मादरी कैसे लेना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, आप किस तरह का मिट्टी देंगे उसी तरह का ही उसमें रिजल्ट रहेगा, क्या मतलब उसका कंपोजिशन रहेगा। उसलिए आपका जो भी मिट्टी लेंगे वो पूरी अपना खेती का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब मादरी होना चाहिए, उस तरह का मादरी आप लेना पड़ेगा। मृदा जांच से पता चलेगा कि मिट्टी में किन पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है। किसान भाइयों, आप तसर उत्पादन के मद्देनजर भी सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं और उसी आधार पर अनुशंसित उर्वरकों का अनुशंसित मात्रा में व्यवहार करें। अम्लीय मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस की आपूर्ति के लिए सिंगल सुपर फॉस्फेट या DAP का व्यवहार कर सकते हैं। हरित खाद भी दे सकते हैं। मुख्य पोषक तत्वों के अलावे सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, कॉपर और बोरोन का भी ख्याल रखें। झारखंड में देखिए ज़्यादातर हम सिंहभूम एरिया और संताल परगन एरिया में ज़्यादातर किसान भाइयों रेशम खेती कर रहे हैं, खासकर तसर का। तो वहाँ पे हम देखा, हमारा मिट्टी के जांच करने के बाद ये हमको देखने के लिए मिला है, बहुत सारा एरिया में पीएच का, सॉइल का पीएच, मिट्टी का पीएच एसिडिक है, हम क्षारीय भी बोलते हैं, वो एसिडिक है, अम्लीय जो बोलते हैं एसिडिक है। उसके लिए क्या है, उससे फास्फोरस लेवल बहुत कमी है, बहुत सारा एरिया में फास्फोरस कंटेंट बहुत कम है। इसलिए हमारे किसान भाइयों, फास्फेट कंटेंट फास्फोरस जो फर्टिलाइज़र आता है, सिंगल सुपर फास्फोरस आता है, डाइअमोनियम फास्फेट जो DAP बोलते हैं, वो सब खाद हम आप खेती में डालना है। उसके अलावा आप FYM जो बोलते हैं फार्म मैड मैन्यूर, या गोबर का खाद, या ग्रीन मैन्यूर मतलब जो सस्सी से हम खाद बनाते हैं, वो उसको डालने से भी वो फास्फोरस कंटेंट को बढ़ाता है, उससे अच्छी क्वालिटी का ये धागा भी मिलता है। उसके अलावा बहुत सारा सूक्ष्म पोषकांश जो है वो भी अधिकतर ज़रूरत पड़ता है, खास कर जिंक जो होता है, जिंक होगा, कॉपर होगा, बोरान होगा, ये सब सही प्रमाण पे अगर रहने से हमारा पत्ती में पोषक तत्व तो अच्छा रहेगा, उससे कोषों का भी क्वालिटी बढ़ेगा। गुणवत्तापूर्ण कोशा उत्पादन के लिए यथासंभव जैविक खाद का उपयोग करना बेहद फायदेमंद होगा। इसमें मिट्टी में मौजूद मित्र कीट और सूक्ष्म कीटों को कोई नुकसान नहीं होगा। मित्र कीट शत्रु कीटों को मारकर फसल की रक्षा करते हैं, जबकि कई सूक्ष्म कीट मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मित्र कीट और सूक्ष्म कीटों के संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद दें। इसके लिए अनुशंसित मात्रा में सड़े हुए गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट, एजाइडोबैक्टर PSB या माइक्रोराइजा का उपयोग कर सकते हैं। मित्र कीट भी होता है और सूक्ष्म जीव भी होता है मिट्टी में, ये दोनों का संभालना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, बहुत अत्यमूल्य चीज़ ये है। जैविक गोबर हम जो बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र, वो भी बहुत सारा बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि नेचुरली वो सूक्ष्म, अब जो बोले रहित मित्र कीट जैसे वर्म होगा और बहुत सारा सूक्ष्म जीवी होगा, माइक्रोब्स लाइक एजाइडोबैक्टर होगा, फॉस्फेट PSB होगा, बहुत सारा चीज़ें, माइक्रोराइजा होगा, ये सारा चीज़ें क्या है, रासायनिक गोबर जो काम करता है वही काम ये लोग करता है, तो इसलिए इसको बचाना बहुत ही अतिमूल्य है।
तो ये सब करने के लिए हम क्या करना है, यहाँ पे FYM जो हमने बोले थे वो खाद गोबर खाद हम बहुत ज़्यादा प्रमाण में डालना है। एक एकड़ हेक्टर एरिया में 10 टन जो हम हमारा रिकमेंडेशन है उतना डालने से ये सब के लिए खाना भी बनता है सूक्ष्म जीवी को और वो इनडायरेक्टली गोबर का रूप में काम भी करता है। तसर उत्पादन के लिए प्रक्षेत्र में नए पौधे लगाए गए हैं तो FYM दे। जून में नए पौधे लगाएं, इससे एक महीना पहले मई में मिट्टी में खाद डालें। अर्जुन के पौधे लगाएं तो उन्नत प्रभेद वाले पौधे लगाएं। प्रभेदों के लिए जिला स्तरीय तसर केंद्र या इससे संबंध विभागों से संपर्क कर सकते हैं। आप जो भी मिलेगा उस वो पौधा को नहीं लेना है। जो पौधा अच्छा है, अच्छा मतलब उसको अलग अलग वैरायटी होता है जो हमारा इंस्टीट्यूट संस्थान में हम लोग डेवलप किए है 101 और 123 इस तरह का अर्जुन का पौधे है। ये उसका उस थली में एकदम अच्छा क्वालिटी का पत्ती आता है और ज़्यादा प्रमाण में पत्ती आता है। उस तरह का वैरायटी आप लोग चूज़ कर मतलब लेना है, लेके उसी से प्लांटेशन लगाना। ऐसा नहीं है जंगल में जो भी सीड्स मिल गया है उसको ला के हम पौधा नहीं बनाना। उससे क्या होगा, अपना खेती में पत्ती की क्वालिटी और उसमें क्वांटिटी या यील्ड जो बोलते हैं वो कमी प्रमाण में हो सकता है। उसलिए आप ये बात बहुत ज़रूरी रखना है। आप अपना जिला में जो भी रेशम कृषि रेशम का PPC जो हम बोलते हैं वहाँ पे कांटेक्ट करिए, नहीं तो अपना REC जो हमारा केंद्र सरकार का है तो वहाँ पे आप मिल लीजिए। बहुत आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ से आप ये सीडलिंग्स जो भी है वो मिलेगा वहीं से। तो उम्मीद है आपको ये फीचर भी पसंद आया होगा। अब आपकी बारी है दर्शकों, आप हमें लिख भेजें अपनी बातें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची पिन संख्या 834001। मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।